काफी समय से चली आ रही किसानों के लिए लाइट की समस्या का समाधान सोमवार को क्षेत्रीय विधायक हरिसिंह सप्रे के प्रयासों से पूर्ण हुआ है। सप्रे ने अपने अलग ही अंदाज में मंच से बोलते हुए बताया कि क्षेत्र के किसान लाइट और वोल्टेज की समस्या से काफी परेशान थे। ग्रामवासी लगातार सब स्टेशन की मांग कर रहे थे जिससे लाइट और वोल्टेज से छुटकारा मिल सके। विधायक ने बताया कि किसानों की मांगों को मैंने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया तो उन्होंने मुझे आश्वासन देते हुए स्पेशल पैकेज देते हुए सब स्टेशन का निर्माण कराकर 33 और 11 केवी के सब स्टेशन चालू कर क्षेत्र के 22 गांव की समस्या का समाधान किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हरिसिंह सप्रे और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि महाराज सिंह डाबरी विद्युत के अधिकारी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। आज सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया तो इससे क्या फायदा होंगे लोगों को? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ 2,29,00,000 के सब स्टेशन के निर्माण हुआ। इससे 22 गाँव जो विद्युत समस्या से जूझ रहे थे उन 22 गाँव को इस सब स्टेशन से फायदा पहुँचेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री समाज वाले विशेष पैकेज हमको दिया था। हमने 4 उसमें से सब स्टेशन के अब इन लोगों को बार बार गुरबा गिराना नहीं पड़ेगा। बराबर ज्यादा तो मैं बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। उनने समय सीमा सब स्टेशन का चालू करवाई मुख्यमंत्री क्षेत्र की जनता की ओर से 22 गांव की ओर से विधानसभा गुरबाई के 446 गांव की ओर से और भी सब स्टेशन क्षेत्र में छूट रहे थे। कहाँ का एक बरेठ में 2,70,00,000 है, एक मॉडल पठाल 16 खड़ी, मतलब कुल मिलाकर 4 विधानसभा जो 3 सब स्टेशनों में बटा है। 4 सब स्टेशन बनने के बाद यहाँ के कितने गांव क्षेत्र कवर करेगा ये? 22 गांव तो करेंगे ही करेंगे। 22 गांव में समस्या की होती थी वो पूरे 22 के 22 गांव से दावा में लाइट के सब करीबन जो चालू होना वो कब तक हो जाएगा? बाकी के जो सब स्टेशन चालू उनका बूथ फीडर हो सकता है दिसंबर हो जाए, वो अप्रैल तक 4.5 किलो बन जाएंगे। कितने घंटे लाइट पर्याप्त मिलेगी? 10 घंटे किसानों को मिलेगा, बराबर मिलेगा। 10 घंटे मिलेगा, वो वोल्टेज ही बढ़ेगा और जिससे पानी का प्रेशर ही बढ़ेगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जो बोलना समय मैं तो बोल जो बोलना था क्षेत्र की जनता की बहुत पुरानी मांग थी। बीच में क्योंकि मुझे ड्राफ्ट लग गया था 13 से 18 तक, क्योंकि ये सब स्टेशन मैंने ही तो बनवाई था, ये सारे रोड मैंने ही तो बनवाया विधानसभा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।